मेरे भाई भाभी है, तायक लड़के हैं और इन्हीं के बेटा हुआ है। ठीक ठाक है। हमारे जो फंक्शन होते हैं उनमें गेट टुगेदर होती है और सारे रिलेटिव जो आज इकट्ठे हुए हैं। ये मेरी बॉम्बे वाली बुआ है और काफी समय बाद मिले हैं। हमारे गांव में जो रिचुअल्स होती है, जो विधि विधान होता है बच्चों के जन्मदिन पे, बड़े बड़े बर्तन जो आपको दिख रहे हैं ये पीतल के बर्तन है और इनको बुटलोइयां बोला जाता है। गांव में जो परंपराओं को निभाया जाता है और जमीन पर बैठकर जो है खाना परोसा जाता है। बारिश जो है जोरों से चली है और लोगों को धाम खिलाने में दिक्कत आ रही है। मैं भी नहाकर जो है रेडी हो चुका हूँ और फैमिली फंक्शन में जाने के लिए रेडी है। देख सकते हैं आप, जीजा जी और सिस्टर जो है रक्षाबंधन पे हमारे घर आए थे और अभी हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और सिस्टर जो अभी तैयार हो रही है और आज हमारे घर में एक फैमिली फंक्शन है तो वहाँ पे जा रहे हैं हम। एंजल, सुजल और सृजन जो है ये भी रेडी हो चुके हैं। बिलासपुर धाम का घर पर जो आयोजन किया गया है तो उसके लिए हम आज अपने घर में जा रहे हैं। तो अंजना भी जो है फटाफट तैयार हो रही है और हम भी जो है अब घर जाने के लिए रेडी हो रहे हैं और हल्की सी जो ब्रेकफास्ट के बाद जो चाय की चुस्कियों का जो है मज़ा लिया जा रहा है और फिर जल्दी से जो अब हम घर के लिए जाने वाले हैं तो बने रहिएगा। रेडी अंजना, सुजल का है घर जा रहे हैं आज, आपको दाम दिलाएंगे वहाँ पे। बढ़िया बढ़िया दो तीन दाल होगी है ना और बहुत सारी आइटम होंगे ना, खूब मजे करेंगे आज। सिस्टर भी रेडी है और हल्की सी चाय का एंजॉय कर रहे हैं। जीजा जी भी रेडी है और अपनी गाड़ी को जो है अप टू डेट करके जो है चाय का मजा ले रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं अपने घुमार में स्थित घर में जो हमारा पैतृक निवास है और वहाँ पर आज मेरे कज़न के जो है बेटा हुआ है और उसका जो है रिचुअल्स होती है आफ्टर वन ईयर जो उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा लें ताकि समय समय पर जो है सैंडल फैमिली ब्लॉग की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हम जो है अपने पैतृक शहर अपने घुमार में जो ज़िला बिलासपुर में है पहुँच चुके हैं और जल्दी से जो अब हम फंक्शन में जो है सभी अपने रिलेटिव से अपने फ्रेंड से जो है मिलने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में तक। ये देख सकते हैं आप, अभी हम घुमारवी बाज़ार से क्रॉस हो रहे हैं। ये आर्मी का जो है गांधी चौक है, ये देख सकते हैं आप, काफ़ी व्यस्तता जो है इस चौक पे है और घुमारवी का मेन आइकन है, फेमस पॉइंट है। और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे काफ़ी स्वीट्स की शॉप है, काफ़ी बड़ी मार्केट है और ये लगभग मार्केट जो है 1 किलोमीटर है और ऊपर ब्लॉक चौक तक है। ये देख सकते हैं आप, ये हिम सर्वोदय स्कूल है और किसी समय जो है मैंने भी यहाँ से अपनी स्कूली शिक्षा ग्रहण की है। ये देख सकते हैं आप, यह घुमारवी सरका घाट सुपर एक्सप्रेस वे है और आगे से एक लिंक है और वहीं से जो है अब हम अपने घर के लिए जो है टर्न करेंगे। ये हमारे फौजी भाइयों की कैंटीन है और गुड्स और अन्य ग्रोसरी सामान लेने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। ये हमारा आईपीएच का दफ्तर है और सारी पानी से संबंधित समस्याएं जो इसी दफ्तर से निपटारा होता है। तो फाइनली हम भी जो अपने घर पहुंच चुके हैं। ये हमारा माता रानी का मंदिर है और आते हुए भी और जाते हुए भी जरूर यहाँ पर माथा टेकते हैं और उसके बाद जो है आपको दिखाते हैं कि किस तरह से जो है आज हमारा जो फैमिली फंक्शन है क्या क्या उसमें गतिविधि होती है और मिलवाते हैं आपको सभी से। तो बने रहिएगा वीडियो में तक। आओ बेटा माथा टेक लो तुम भी, है ना। जय माता रानी, जय संतोषी माता, जय भोलेनाथ। ये हमारा घर है और हाल ही में कुछ इसमें कंस्ट्रक्शन का काम किया है। राजू ठीक ठाक पूर्णम जी, जाइए रुक गए बाजार में, वे मेरे सामान लेना है कुछ भी। थोड़ी देर रेस्ट कर लो, हाथ मुंह धो लो, फिर हम जो है कहाँ चलेंगे, फंक्शन में चलेंगे, है ना। और मिलवाते हैं आपको, बहुत सारे वहाँ पे बच्चे भी आए होंगे, हमारे रिश्तेदार आए हुए सारे इकट्ठे हुए हैं ना। लाइट नहीं है, चलो चलो जल्दी धो लो फिर हाथ मुंह और चलो फ्रेश हो जाओ ना। हाँ जी। थोड़ी देर हमने जो है घर में रेस्ट किया और अभी फंक्शन के लिए जो जाने के लिए रेडी है और ये मेरे कजन है और आफ्टर 20 ईयर जो हम मिले हैं और बड़ी खुशी की बात है ना। ठीक है फिर, ओके चलो बच्चे जल्दी, बारिश लग जानी, फिर आ जाओ।
खाना खाने में मुश्किल होनी फिर। अभी बहुत सारी बातें करनी है, वहाँ मिलवाते हैं आपको, हमारे काफ़ी रिलेटिव और बच्चे आए हैं वहाँ छोटे छोटे। यहाँ पर हमारे पुराने घर हैं और काफ़ी समय जो है बचपन का मैंने यहीं व्यतीत किया है, और जल्दी से दिखाते हैं आपको। यहाँ पौड़ियाँ लगी हैं और ये भी रोड निकला, अब नई सड़क निकली है हमारे घरों के लिए। ये देखो इधर अभी ये सड़क बनी है सारी, घुमाया था मैंने पिछली बार आपको। ये मेरे चाचा श्री हैं, नमस्ते अच्छी ठीक ठाक है बढ़िया और ठीक है। ये मेरे बड़े भाई हैं, ताया के लड़के हैं और ये भी पहुँचे हुए हैं आज, गाँव में रहते हैं। और भाई जी ठीक ठाक बढ़िया मस्त नमस्ते दादी है ठीक ठाक, बुआ जी नमस्ते ठीक है बिल्कुल कुशल मंगल है। ये मेरी बुआ है और ये मेरी मासी जी है, सभी पहुँचे हुए हैं आज फंक्शन में। ये दीदी है बुआ की बिटिया और बड़ी बहन है हमारी, और ये मेरी बुआ जी है, नमस्ते बुआ जी ठीक है नमस्ते ठीक ठाक। ये देख सकते हैं आप हमारे जो फंक्शन होते हैं उनमें गेट टुगेदर होती है, और सारे रिलेटिव जो आज इकट्ठे हुए हैं, और कुछ से मैंने आपको मिलवा दिया और बाकी से मिलवाते हैं। बुआ जी नमस्ते, राजी है और ठीक ठाक नमस्ते नमस्ते सारे। ये वाली बुआ तो रह गई मेरी, राजी बुआ जी खुश है मजे में तंदुरुस्त और ठीक ठाक सब बढ़िया। नहीं मम्मी नहीं, ये देख सकते हैं आप हमारे गांव में भी आज की समय में जो है गेट टुगेदर होती है, और सारे रिलेटिव जो है बैठे हुए हैं पंखों के नीचे, और क्योंकि गर्मी का मौसम है बरसात है। और ये मेरे ताई जी हैं जिनके घर में आज फंक्शन है, नमस्ते ताई जी राजी है ठीक है। ताऊ जी कितनी है, अच्छा बाहर है। ये मेरे ताया जी हैं और ताजी जी के घर में फंक्शन है, और हम भी जो है सब परिवार पहुँचे हैं। ताऊ जी नमस्ते चरण वंदना, हाँ जी मास्टर जी नमस्ते ठीक ठाक ठीक है अच्छा। ये हमारे पंडित जी हैं आदरणीय, प्रणाम पंडित जी, राम राम जय श्री राम जय श्री राम, और पूजा विधि में व्यस्त हैं और मिलवाते हैं आपको इनके साथ भी। ये देख सकते हैं आप जो आजकल हमारे गांव में जो रिचुअल्स होती है, जो विधि विधान होता है बच्चों के जन्मदिन पे जो सेलिब्रेशन किया जाता है, उसकी तैयारियों में लगे हुए हैं। ला फिर दे हमें प्रसाद, ये मेरे कजन का बेटा है और बेसर भी काफ़ी लंबा हो गया है, और भी ले लो बेटा प्रसाद ले लो पूजा का। ये मेरे कज़न है और ये मेरे कज़न की वाइफ है, मेरे भाई भाभी है, ताया के लड़के हैं और इन्हीं के बेटा हुआ है, और उसी का जो सेलिब्रेशन यहाँ पर चला हुआ है। बर्थडे बॉय रो रहा है वीडियो बहुत बहुत बधाई आपको, हैप्पी बर्थडे टू यू। वो देखो सामने देखो, इधर देखो सामने देखो, हैप्पी बर्थडे टू यू, बहुत बहुत बधाई हो आपको सब परिवार है ना, नमस्ते बाबू। और ये देख सकते हैं आप आज हम सभी परिवार जन जो इकट्ठे हुए और काफी खुश है। हम भी थोड़ी देर के लिए जो है ठंडे का एंजॉय कर रहे हैं, और पारिवारिक रिश्तेदारों के साथ बैठे हुए हैं। बच्चे कहाँ हैं, ये देख सकते हैं आप आज। हालांकि बारिश का जो मौसम बना हुआ था और हवन इत्यादि की जो प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है, और सभी हल्की धूप निकलने पर जितने भी रिलेटिव हैं सारे बाहर बैठे हुए हैं और इंजॉय कर रहे हैं, और जल्दी से जो है बिलासपुरी धाम जो है यहाँ पर सेलिब्रेट की जाएगी। तो बने रहिएगा वीडियो अंत तक। नहीं नहीं सभी से मिलो आप मज़े से, चलो फिर आपको ऊपर वाले घर दिखाते हैं। हाँ पुराने घर दिखाते हैं, आइए अब आपको वहाँ पर लिए चलते हैं जहाँ पर धाम तैयार की जा रही, क्योंकि हमारे सभी के घर इकट्ठे हैं। और दिखाता हूँ मैं आपको, ये हमारे यहाँ पर जो है पुश्तैनी घर है सारे, और मेरा बचपन यहीं पे बीता है, यहीं पला बड़ा हो। ये देख सकते हैं आप जो हमारा पुश्तैनी घर था, हाल ही में भारी बरसात के चलते जो है गिर चुका है, और दिखाता हूँ इसके आगे आपको यहाँ पर जो है
हमारी बिलासपुरी धाम बनाई जा रही है। नमस्कार चाचा साहब, कैरी पौधे ठीक ठाक? बहुत बढ़िया। क्या क्या बना रहे हैं फिर आज आप? दो ही दाल, माँ की दाल, राजमा है, और क्या है? चने की दाल है, कड़ी, खट्टा। खट्टा गाय का है, सफेद चने और छुहारे का है, और मीठा बदाने का मीठा बनाया हुआ है। ये देख सकते हैं आप, हमारा जो कल्चर है वो आज भी हमने जिंदा रखा हुआ है। और यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, धाम बनाने में हमारे बोटी जो है व्यस्त है, क्योंकि बिलासपुर धाम जो है लगभग 4 या 5 बजे के आसपास जो है लोगों को परोसी जाती है, और इस टाइम दोपहर के 1:30 बज रहे हैं, और फाइनल टच जो है धाम को दिया जा रहा है, और हमारे बोटी जो है जोरों शोरों से लगे हुए हैं। ये देख सकते हैं आप, आज भी जो है हमारे जो पारंपरिक फंक्शन होते हैं, फैमिली फंक्शन होते हैं, उनमें खाना जो है ज़मीन में तैयार किया जाता है। और ये देख सकते हैं आप, इसको चर बोलते हैं, और लकड़ियों की सहायता से जो आग जलाई जाती है। और ये बड़े बड़े बर्तन जो आपको दिख रहे हैं, ये पीतल के बर्तन हैं, और इनको बुटलोइयाँ बोला जाता है। और ये हमारे जो बोटी हैं, ये इनके इक्विपमेंट होते हैं, इसको तैंथा बोलते हैं, और ये कड़छ है, और इन्हीं से जो है सारा खाना तैयार किया जाता है। कमी है ठीक ठाक। ये हमारे कोवर्कर्स होते हैं जो धाम को तैयार करने में हेल्प करते हैं। ये देख सकते हैं आप, आज आपको बिलासपुरी धाम में जो हमारे घर में फैमिली फंक्शन है, उसमें बदाने का मीठा भी बनाया जा रहा है, और अभी जो है इसका तैयारी की जा रही है बनाने की। और देख सकते हैं आप, ये माँ धुली दाल का बैटर है, और झारने की मदद से जो है फ्लोरियाँ तल कर जो है इसको तैयार किया जाता है, और ये चाशनी है, और बाद में जो फ्लोरियाँ बन के तैयार होती है उनको जो है चाशनी में डिप किया जाता है, और हमारा बदाने का मीठा तैयार होता है। ये देख सकते हैं आप, आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, अगर आप भी मीठा खाने के शौकीन हैं तो बदाने का मीठा जो है किस तरह तैयार किया जाता है उसका जो है वीडियो ब्लॉग आपको देखने को मिलेगा, और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दिया जाएगा। पारिवारिक फंक्शन में सबसे मिलने का मौका मिलता है, मेरे चाचा जी हैं ITBP में, और ये मेरे दूसरे चाचा जी हैं, और काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि फंक्शनों में जो हमारी गेट टुगेदर होती रहती है। तो बने रहिएगा वीडियो में तक, और जल्दी से जो आपको हमारी जो बिलासपुर धाम सेलिब्रेट की जाएगी उसकी वीडियो ब्लॉग भी आपको आज के ब्लॉग में देखने को मिलेगी, तो जाइएगा मत और बने रहिएगा अंत तक। आइए अब आपको जो है अपने बाकी फैमिली मेम्बर से मिलवाते हैं, क्योंकि हमारा परिवार जो है बहुत बड़ा है। ये मेरे चाचा जी हैं, CRPF में हैं, और अभी छुट्टी बहन उसका चाचा जी, और ये हमारे एक अन्य रिलेटिव है, हमारे जो पुश्तैनी घर है लेठवी में, वहाँ से है। नमस्कार, ठीक ठाक? ये मेरी चाची है, नमस्ते चाची, ठीक ठाक है, राजी है। और ये मेरा कज़न ब्रदर है, उनकी मिसिज है, नमस्कार। बस बस ठीक है। सन्नी दुकान में है। आइए अब आपको घर के अंदर लिए चलते हैं। सबसे पहले जो है पैक तो दे दिया हुआ कहीं ठंडे से जो है कोक से स्वागत किया जा रहा है, क्योंकि गर्मी बहुत है, और थोड़ा चिल हो जाए तब ब्लॉग बनाने में भी आसानी रहेगी। ये मेरे चाचा जी का घर है। मम्मा कहाँ है? तुम्हारी अंदर ही है, चलो तो चलो। ये देख सकते हैं आप, सारे रिश्तेदार जो है इकट्ठे हुए हैं, और हमारे परिवार में सबसे बुजुर्ग जो है हमारी दादी बैठी हुई है बैक साइड में, देख सकते हैं आप। पकड़ना मेरा गिलास। राजिया राजी चाची ठीक ठाक है? ये हमारे दादी अम्मा है, और परिवार में हमारे सबसे जो सीनियर सिटीजन है वो यही है अब की डेट में। ये मेरी बुआ जी है, बुआ जी राजी है, ठीक ठाक है। और बाकियों को तो मैंने आपसे मिलवा दिया है, सारा ब्लॉग में आपने पहले देखा होना, तो बने रहिएगा वीडियो में तक। और आपको अभी हम जो बिलासपुर धाम है उसके बारे में जो है पूरी जानकारी बताएगी, किस तरह से जो हमने हंसी खुशी से जो आज पारिवारिक फंक्शन को सेलिब्रेट किया, और सभी रिश्तेदार जो आज पूरे रिश्तेदार इकट्ठे हुए, और काफ़ी बड़ा हमारा परिवार है, और वीडियो लंबा हो सकता है तो अंत तक जरूर बने रहें। आप तो रह गए थे फंक्शन के बहाने जो है, आज सारे आपको हमारे जो पुराने घर हैं वो भी दिखाए जाएंगे, और साथ में जो नए घर बन रहे हैं वो भी दिखाए जाएंगे। ये मेरे मासी जी हैं, और कज़न जो मेरे हैं बड़े वाले, और के भी पहले नागालैंड में थे, आजकल सुबाकू में है, और उनके द्वारा जो है घर बनाया जा रहा है। आइए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ का भी दिखाता हूँ। ये मेरे मामा जी हैं, और फंक्शन के बहाने जो है सबसे मुलाकात होती है, ठीक ठाक? मामी जी नहीं आए? अच्छा, इधर ही है।
ये मिलवाता हूँ आपको, ये मेरे कजन ब्रदर है और फिजिक्स के लेक्चरर है, ये भी सुबाथरूम में पहुँच चुके हैं, बहुत जुतोग में आए हैं। और ये घर जो है इनके द्वारा बनाया जा रहा है, घुमाओ अपने घर में, फिर आप बोलते हैं ब्लॉग नहीं बना। आज मौका मिला है हमें, इस तरफ क्या बनाया है, पेंट्री और पूजा घर, और ये बेडरूम है और ऊपर वाले फ्लोर में। अच्छा, इधर भी बेडरूम ही है सारे। अच्छा, अब भाभी बच्चे उधर, चलो फिर आओ दिखाओ जल्दी जल्दी, है ना। रेलिंग भी लगी, अभी पौड़ियों में कंस्ट्रक्शन चली हुई है, बिल्कुल आराम आराम से आना। ये किचन है साइड, अच्छा ओपन रखा सारा है ना, और ये हॉल टाइप है, इधर भी बेडरूम ही है। अच्छा, इधर टॉयलेट है और ये भी बेडरूम ही है। बहुत शानदार मकान बनाया आपने, बहुत बहुत बधाई। फिर जल्दी से करो अभी फंक्शन, फिर हम अलग से ब्लॉग बनाएंगे, क्योंकि आपको पता ही है हमारे जो मेल मिलाप होता है सभी नौकरी पेशा वाले हैं, और जब घरों में हमारे कोई पारिवारिक फंक्शन होता है तभी हम सभी लोग इकट्ठा हो पाते हैं। और दो मेरे कज़न और हैं, एक उधर भी जो है कंस्ट्रक्शन चली हुई है, और आया वो भी मोनू, आया वो नहीं आया, घूमो मजे से। सुंदर है ना घर, ताऊ जी का घर, जब बन जाएगा पूरा फिर फंक्शन करेंगे ना, बोल दिया आज और भी आना भी है। बहुत बढ़िया मकान बनाया आपने बिल्कुल, और ये देख सकते हैं आप, ये हमारा सारा जो है पहाड़ी एरिया है, और सामने बिल्कुल ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, और काफ़ी अच्छी लोकेशन पे जो है कज़न ब्रदर ने अपना घर तैयार किया, एक ड्रीम हाउस जो होता है। और ये देख सकते हैं आप, काफ़ी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चली हुई है, एक कज़न मेरे और हैं जिनका घर ये नीचे बन रहा है, और घरों की जो है यहाँ पर पूरी भरमार हो चुकी है। आज टॉप टॉप भी दिखाना तुम्हारे को, तो आज देख लो है, आज आराम से आना बच्चों। क्या वो डर लग रहा है, तो अभी रेलिंग लगनी है इसमें, है ना, अभी रेलिंग लगेगी इसमें। देखो काफ़ी खुला है ना, सारे पहाड़ दिख रहे हैं बिल्कुल चारों तरफ, है ना, मस्त है। अच्छा बनाया है ताऊ जी ने घर, वो एक और कजन ब्रदर है उनका घर है, वो निचली साइड जो दिख रहा है ना, एक वो नीचे बन रहा है, वो भी बन रहा है, बहुत सारे घर बन रहे हैं, अब सभी जो है नए नए घर बना रहे हैं। हाँ चले अब नीचे फंक्शन में दोबारा, क्या क्या खाना था हमें आज, क्या क्या बना है, एक मीठे खट्टा और क्या होते हैं, दाल है, हमारी फेमस दाल है, दाल है, दाल है, और एक दाल रेड जैसी माँ की दाल होती है वो, है ना, और एक येलो दाल जो होती है पीली दाल, वो चने की दाल है। भूख तो लग गई है, आराम से आना, गिरना मत। धाम की तैयारी में लगभग आधे घंटे का समय है, और देख सकते हैं आप सारी रिश्तेदारी इकट्ठी हुई है, और मिलवाता हूँ आपको मेरी बुआ जी है, नमस्ते बुआ जी, ये मेरी बॉम्बे वाली बुआ है, और काफ़ी समय बाद मिले हैं, मामा जी से तो मैं मिल लिया, हाँ जी हाँ जी ठीक है ना। मेरी कज़न है राजी नायरा, हेलो, बात ही नहीं कर रही आज जी है, नमस्ते जी, दुकान है, दुकान गर्मी बहुत ज़्यादा है, और सुबह से हम भी घूमे हुए हैं, कभी इधर कभी उधर, और सारे रिश्तेदारों से मिल रहे हैं, मेरे चाचा जी हैं और इनकी दुकान है, और फ़ोन करके बुलाया कि मेरी चाय पी ले, तो अभी जो है दिखाता हूँ मैं, अंदर सारे बैठे हुए हैं और चाय की जो है तैयारी की जा रही है। ये मेरे बुबू जी हैं और HRTC से रिटायर ठीक ठाक बुआ, अच्छा बुआ इधर बैठी हुई है छुप के, कमजोर हो गई है, और ये मेरे कजन सिस्टर है, नमस्ते दीदी ठीक है, राजी है, और चाय का जो है इंतज़ार किया जा रहा है, बनाई चाय की, अभी आप बोल रहे हैं बना दी, बनाओ बनाओ जल्दी पिलाओ, बढ़िया सी कड़क चाय, चाय पी लो आज। मिल गए लिफाफे था, क्योंकि फ़ोन उठा नहीं रही थी अंजना, तो अभी हम जा रहे हैं और जल्दी से धाम खा कर फिर हमें वापिस जो है हमीरपुर भी पहुंचना है, क्योंकि कल बच्चों का स्कूल है। हम धाम खाने जा रहे हैं और चाची जो है भिंडियां निकाल रही है खेतों से, देख सकते हैं आप गांव की जो भिंडियां हैं कितनी बड़ी हैं, और लगभग 11-12 इंच के करीब जो भिंडी है, और अपने घर की साग सब्जी सुबह के लिए निकाल रहे हैं ना, आज तो धाम खाओ मजे से, चलो तो चलो फिर हम खा लेते हैं धाम, क्योंकि भूख भी लग चुकी है, और अभी 4:30-5 बजने को आ चुके हैं।
ये देख सकते हैं आप, लगभग 10 लोगों की टीम जो है बिलासपुरी धाम तैयार करने में लगी हुई है और लगभग जो है फिनिशिंग के जो है हमारी धाम है और इसको जो है 4 बजे के बाद जो है लोगों में बांटना शुरू किया जाएगा। ये देख सकते हैं आप, कड़ी की मात्रा जो है ज़्यादा लगती है और हमारी धाम में जो है सारी सब्जियां जो डबल डबल जो कुटलोइयाँ होती हैं ये सारी जो डबल डबल बनाई गई हैं और लगभग 2 से 2500 लोगों के आने की उम्मीद है। ये देख सकते हैं आप, धोतवी दाल जो है बिलासपुर जिला की धाम की जो फेमस आइटम रहती है और इसकी जो है तीसरा बर्तन जो है चरोटी तैयार की जा रही है और 2 चरोटियाँ जो है इस दाल की तैयार करके जो है रख दी गई हैं। खाना खिलाने के इंतजाम कहाँ है, फिर इधर ही होना परले आंगनों में। लगभग 4 बज चुके हैं और देख सकते हैं फाइनली जो है सबसे पहले जो हमारे रिलेटिव जो आए होते हैं, रिश्तेदार जो आए होते हैं, उनको जो है धाम परोसी जा रही है। देख सकते हैं आप पीछे, ये देख सकते हैं आप, आज भी जो है गांव में जो परंपराओं को निभाया जाता है और ज़मीन पर बैठकर जो है खाना परोसा जाता है। गुड, ये देख सकते हैं हमारे जो वॉलंटियर हैं और गांव में जो है बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं और लोगों को जो है पानी पिलाया जा रहा है और मुझे भी जो काफ़ी प्यास लगी हुई है और सुबह से जो है ब्लॉग बनाने में जुटा हूँ। है जी, नहीं तो इनको सिखाना पड़ता ना काम, नहीं तो आजकल की जो पीढ़ी है ना वो काम चोर हो रही है डे बाई डे, तो हमें अपने बच्चों को भी दिखाना पड़ता है किस तरह से गाँव में फंक्शन होते हैं। धाम खिलाने की सारी व्यवस्था जो है देख सकते हैं आप, हमारे गांव में जो आंगन होते हैं उनमें की जाती है और लोग जो है खुशी खुशी धाम का एंजॉय कर रहे हैं। कुछ हमारे सीनियर सिटीजन होते हैं जिनको बैठने में दिक्कत होती है, उनके लिए जो है टेबल कुर्सी का इंतजाम किया गया है। तुम्हें बहुत रहता है तुम? हाँ जी, हाँ जी, ये हमारा कल्चर है और मैं इस कल्चर को जो है प्रमोट कर रहा हूँ और अपने सारे मंदिरों का सभी सभी का दिखाता हूँ मैं जी। अच्छा जी, भतीजा। अच्छा अच्छा, चलो जी, आपके डैडी से मिलाऊंगा। हाँ जी, हाँ जी, तो फाइनली हम भी जो अब धाम का मज़ा लेने के लिए जो है बैठ चुके हैं। देख सकते हैं सबसे पहले जो है धोतवी दाल जो है बिलासपुर धाम में परोसी जाती है और ये माँ छिलका दाल से जो है तैयार की जाती है। आई बटन में लिंक मिल जाएगा, जरूर रेसिपी के लिए जो है विजिट करें। खाओ मजे से ना। कौन सी दाल है ये? धोतवी दाल है। एंजल, ये है धोतवी दाल, फिर है ना, खाओ मजे से। धाम की अगली आइटम जो है माँ की दाल है, देखते हैं आप, ये चना दाल है और विद हौरी राई पाउडर का जो है इसमें एक चटनी डाली होती है जिसे हौरी बोलते हैं। धाम की चौथी आइटम जो है आलू राजमा है और देखते हैं इनको भी टेस्ट करके। इसे राजमा और आलू के कम्बिनेशन से बनाया गया है और आलू को हल्का सा फ्राई किया गया है और साथ में जो इसमें दही का इस्तेमाल किया गया है और इसे मदरा की तरह जो है तैयार किया गया है। ले ले थोड़े से चावल, मैं बिल्कुल ही नॉर्मल जे। धाम की अगली आइटम पकौड़ा कड़ी है, देख सकते हैं आप, पकौड़े तो डाले नहीं आपने है, पकौड़े भी डालो फिर। बिलासपुरी धाम की पकौड़ा कड़ी जो है काफ़ी टेस्टी होती है और इसमें ज़्यादातर जो है पकौड़ों का ही इस्तेमाल किया जाता है, हालांकि जो हमीरपुर की धाम है उसमें जो है फलौरियाँ डालकर जो है तैयार किया जाता है। ये देख सकते हैं आप, छुआरे और सफ़ेद चने का जो है खट्टा बनाया गया है और इसमें जो है गुड़ इमली का ही इस्तेमाल करते हैं और काफ़ी टैंगी होता है ये और चटपटा और स्पाइसी भी रहता है।
और धाम के अंत में जो है सबका फेवरेट जो है बदाने का मीठा जो है सर्व किया गया। हालांकि लोगों को जो है अपने अपने ज़िला की धाम जो है काफ़ी स्वाद लगती है, लेकिन हमारे बिलासपुर की धाम का बात ही निराली है और सभी को जो है अपना अपना खाना पसंद आता है और हमने भी भरपेट खाना खाया है। और वीडियो में तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जाइएगा नहीं क्योंकि अभी क्लोजिंग भी होनी है, तो उसके बाद जो फिर हम वापस हमीरपुर पहुँचेंगे। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर जो है धाम का लुत्फ भी ले रहे हैं लोग और साथ में जो हमारा एक रिवाज भी होता है जिसे प्रिया बोलते हैं और वो भी दबाकर जो पैकिंग की जा रही है। हालांकि आज मौसम जो है दिन भर साफ था, लेकिन शाम होते होते जो देख सकते हैं आप बादल पूरे अपने जोरों पर है और हल्की सी बूंदाबांदी भी लगी है और गाँव के लोग जो है पहुँचना शुरू हो चुके हैं और धाम का इंजॉय कर रहे हैं। ये मेरे चाचा श्री हैं और छुपे थे सुबह से, अभी मिले हैं। नमस्कार, ठीक ठाक दर्शन नहीं हुआ सारा दिन? बठिंडे की। अच्छा, बठिंडा चाची भी आ गई? गर्म गर्म है। नहीं नहीं, बठिंडा चाची भी आ गई। अच्छा अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। बारिश लेके आया, पड़ गई बारिश भी। ये देख सकते हैं आप, बारिश जो है जोरों से चली है और लोगों को धाम खिलाने में दिक्कत आ रही है। और क्या करें, अब बारिश में जो सारा सिस्टम चलाया हुआ है धाम, लोगों को जो है परोसी जा रही है। और ये देख सकते हैं अब सारा इंतज़ाम जो है कमरों में ही किया गया है और जैसे तैसे जो लोगों को खाना खिलाने की कोशिश की जा रही है। तो आज के वीडियो ब्लॉग में आपने देखा कि हम जो है अपने नेटिव प्लेस जो हमारा पैतृक घर है वहाँ आए हुए थे बिलासपुर में, और हमारे कज़न के बेटा हुआ है और उसका जो रिचुअल रहती है आफ्टर वन ईयर जो बर्थडे सेलिब्रेशन था, तो उसके चलते जो है यहाँ पर बिलासपुर धाम का जो है इंतज़ाम किया गया था। भरपेट खा लिया और ब्लॉग में देखा आपने अपने अलग अलग हमारे जो रिश्तेदार है, चाची, मेरी मासियाँ, मेरी बुआ, बुबू, मामा, सारे जो मिले। और वीडियो में तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलते हैं ऐसे किसी नए शानदार ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। बाय।